जा रहा हूँ अनन्या के साथ टूवर्ड्स हैदराबाद। सो हमारी हैदराबाद की जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग की लाइफ की जो स्टार्ट होने वाली है जो मैं बहुत ज़्यादा शेयर भी करूँगा। एंड ये यहाँ पे सब बस स्लीपर करके जा रहे हैं तो ऐसा इसका कुछ है जो आप देख सकते हो। एंड अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। हमारा ट्रिप कैसा रहा, कौन से बस से हम जा रहे हैं, कौन से बस बुक किया हमने, सारा डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। कितना फेयर पड़ा फ्रॉम भुवनेश्वर टू हैदराबाद, सो ये सारी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगे, तो मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा। चलो जल्दी खोलो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, ये है एक्चुअली हमारे लिए एक स्नैक्स बॉक्स आया है, दो मेरे लिए एंड बाबू के लिए। तो स्नैक्सोली बस में हम दोनों को मिला है, जो कि आप सब देख सकते हैं एक टिशू है एंड क्या है इसमें लाइक टिशू और क्या कुछ मिक्सचर है एंड एक छोटा सा केक, चकोलावा केक, चको नहीं है स्ट्रॉबेरीज है एंड एक बिस्किट। तुम्हारा मूल ही दिख रहा था। हाँ अरे बाप रे, हाथ पोछने के लिए बस हो गया। तो ये था अनबॉक्सिंग का वीडियो, है ना, अच्छा सा किट है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, खाने अच्छा है, खाने में सब कुछ ठीक है और इतना मिल रहा अच्छी बात है। और ये भी दिया उन्होंने, मतलब अगर आप जाते हो तो ये भी आपको मिलता पानी बॉटल, तो अच्छा है। हाँ बस तो शामोली बस में चाहिए, आप आराम से भुवनेश्वर से हैदराबाद तक जा सकते हैं ना पतिदेव। Yes. बोलिए कुछ। अभी मेरा माइक खराब हो गया, फिर बात करते हैं। तो उनका भी छोड़ देते हैं, फिर हम बात करते हैं। ओके सो गाइस, ये रही अनन्या और अनन्या ब्लॉग्स को है बोलो। अनन्या हेलो, हेलो एवरीवन। सो आज से मेरे ब्लॉग्स में आपको अनन्या भी दिखे। तो गाइस कैसा है ना, अगर जो भी भुवनेश्वर से जाए, मतलब हैदराबाद से भुवनेश्वर जाएगा, सो विद इन दैट 3,000 रुपीज़ में आपको ये बस मिलेगी। एंड आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये सब चूज़ करो बस, बिकॉज क्या है ना, बहुत ही हाइजीनिक है, यू नो सारे चीज़ों को उन्होंने प्रोवाइड किया, वाटर बॉटल्स एंड एवरीथिंग। सो गाइज, ये होप करता हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, तो डेफिनेटली आगे व्लॉग में बने रहना एंड बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं गाइज आने वाले टाइम में। फाइनली गाइस टी ब्रेक मिला था और टी ब्रेक में हमने सोचा कि चलो यार अच्छे से अभी जो भी चिप्स विप्स लेना खा लो, और पूरे जितने भी यू नो टूरिस्ट थे सारे लोग आके यहाँ पे फैल चुके थे जैसे आप देख रहे हो। तो मैंने एक चाय, दो बिस्किट, चिप्स का पैकेट लिए और मैं निकल गया। तो सो अभी क्या हुआ ना कि अनन्या गई हुई थी वॉशरूम एंड तब तक मैंने सोचा कि आपको दिखा देता हूँ यू नो बस का आउटर एंड फिर कैसी जगह थी, अच्छा था, मतलब ओवरऑल अच्छा था। फिर रात में जस्ट अनन्या चाय पीती हुई यहाँ पे आप देख सकते हो, अनन्या को मैंने चाय ज़बरदस्ती पिलाया एंड फिर हम लोग आराम से रिफ़्रेश होकर निकल गए थे। यहाँ पे जो हम रुके थे ना डिनर के लिए रुके हुए थे, सो अच्छा था डिनर, 250 में दो लोगों को हो गया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार थोड़ा सा ना पैक करके भी रख लेते, क्या पता रात में भूख लगे, तो कोई भरोसा नहीं ना कहीं रोके ना रोके। ये ऑरेंज ट्रैवल की बस भी हैदराबाद जाती है, सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। एंड ये जितनी भी बस देख रहे हो ना, ये सारे सब के सब, कोई वायजैक, कोई विशाखा
विशाखापट्टनम ये रूट वाली है एंड देन हैदराबाद जाते हैं एंड फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे अपना हैदराबाद के लिए एंड वी रीच्ड समहाउ वेरी वेरी हैप्पीली इन हैदराबाद एंड देख सकते हो कि हैदराबाद के हाईवे कितने ज़्यादा ग्रीन है एंड ये ओवरऑल था आउटर रिंग रोड. जब भी आप आओगे तो आपको आउटसाइड एरिया में ड्रॉप करेंगे एंड वहाँ से आप ओला उबर कर सकते हो. मोस्ट ऑफली मिल जाता है एलबी नगर के पास एंड देन फिर क्लाउडी हो रहा था वहाँ का मौसम मोस्टली मतलब बारिश. जब तक हम लोग घर पहुँचे थे बारिश ऑलमोस्ट हो चुकी थी एंड देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा बादल बना के रखा था. फिर क्या था आराम से हम लोग फिर हम लोग पहुंच गए थे अपना आउटर रिंग रोड के पास जहाँ पे नानाग्राम गुड़ा एंड कितने ब्यूटीफुल बिल्डिंग है. मतलब आई रियली लाइक दिस प्लेस. तो अनन्या भी फर्स्ट टाइम देख रही थी हैदराबाद का सारा एंड उसका रिएक्शन देख ही सकते हो आप कि उसे कितना अच्छा लग रहा था ये कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हमें जब आते हैं ना तो हमें अच्छी लगती है वो सारी चीज़ें. एंड फिर मैं और वही डिस्कस कर रहे थे अनन्या कि एक दिन यहाँ पे हम लोग अपना एक घर लेंगे एंड हैदराबाद में अपना एक घर हो जाएगा. तो अनन्या को भूख लगी थी तो वो खाने लगी थी बिस्किट एंड फिर वो दिखा रही थी कि कलर सारी चीज़ें कितने अच्छे से हुई हैं एंड बाकी चीज़ें. फिर हम लोग पहुँच गए थे घर एंड फिर अनन्या का एक ड्यूटी था कि वो पूरा फ्रिज ठीक से रख रही थी बिकॉज लड़के ज़्यादा अच्छे से रख नहीं पाते तो पूरा सेट करी थी. और ये हमारा प्यारा सा छोटा सा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में रूम है और यहाँ पे आप लगेज देख ही सकते हो एंड बस ऐसा था. फिर पूरा काम वाम करके हम लोग फिर फ्रेश हो गए. सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए एंड घर पहुंचने के बाद अभी जस्ट सारा घर का काम धाम चालू है. बहुत खुशी भी हो रहा है कि बहुत टाइम बाद आ गए पर ठीक है. हैदराबाद में इतनी गर्मी तो है नहीं फिलहाल. अभी मॉडरेट नॉर्मल है. उतना गर्मी नहीं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा. बस अभी बिरयानी लेके आए और खाएंगे बिरयानी. भाई अभी गया ड्यूटी एंड सारा चीज़ सेट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान वामान है सब सेट करेंगे फिर आपको एक रूम टूर दूंगा मैं. सो गाइस अभी बिरयानी हम लोगों ने निकाल लिया है और सारा आइटम यहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेशन में है. तो अभी बिरयानी है यहाँ पे चिकन बिरयानी सालन रायता यहाँ पे थम्सअप. भाई ये भाई ए फ्यू मोमेंट्स लेटर क्या कर दिया शेक हो गया ये तो. बस अभी पेप्सी के साथ अंडे के साथ कोक हाँ कोक के साथ उसने अंडे भी दिए हैं. एक और है अभी देखते हैं अगर वो कैपेसिटी के अंदर रहा तो खाएंगे. सो गाइस देखो आपको ना एक बड़ा स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ. ये है खजाने की पोटली जो कि हमारी सासू माँ ने भेजा है और वही हम लोग सब यहाँ पे निकाल रहे हैं. अचार का डब्बा है ये पापड़ है एक चार तरीके के पापड़ हैं. वाइट सेसमे एंड पीनट का वाइट सेसमे एंड जीरा का एंड नॉर्मल चूड़ा जो था उसका पापड़ नॉर्मल पापड़ सब है. और दो तीन तरीके की अचार बहुत ही मतलब वैरायटी वैरायटी का ये सत्तू है सत्तू. और ये है ये सारा पूरा यहाँ पे भी और माल मटेरियल है. ये देखो ये स्पेशल उड़ीसा स्पेशल बॉडी ये बॉडी इसको बोलते हैं बॉडी. यहाँ पे भी एक दो अचार रखा हुआ और यहाँ पे भी कुछ आइटम रखे हुए हैं सब भी निकाल. वाह ये देखो वाह इसको हम लोग बोलते हैं उड़िया लोग अगर देख रहे हैं तो पता है आम्बुला बोलते हैं इसको. आम्बुला आम का आम्बुला नहीं था ना आम्बुला लूनी लूनी आम्बुला. इसको ना नमक में प्रिजर्व किया जाता है सुखाया जाता है फिर बनता है लूनी आम्बुला. कौन सा आम्बर हुए फिर से और एक अचार और आमचूर 1 2 3 4 5 पांच तरीके के अचार दिया है मम्मा. ये है आमचूर नहीं चूरन जो कि गैस के लिए काम करता है. सो आई होप गाइज आप सभी को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड बहुत मेहनत लगी ये ब्लॉग बनाने में जो कि हम लोगों ने ट्रैवल स्टार्ट किया था उड़ीसा से एंड किया हैदराबाद में. एंड विश करता हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगे एंड जो भी हैदराबाद से देख रहे हैं उड़िया लोग एंड मेरी उड़िया फैमिली वो ज़रूर इस ब्लॉग को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करना आप कहाँ से हो हैदराबाद में सो दैट अगर कभी हुआ तो मिलेंगे ज़रूर. एंड प्यार देते रहिएगा ब्लॉग को एंड ज़्यादा एंड कर रहा हूँ ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए बट ठीक है. ख्याल रखिएगा एंड वीडियो को बहुत सारा प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब देना. मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ नए उत्साह के साथ. सो तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय.